हेलो एवरीवन, मी गुरपाल सिंह फ्रॉम स्पिरल माइंड एकेडमी। आज जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ वो है हमारा एपी के ऊपर। अगर आपको कोई भी एपी के बीच में सम निकालना हो तो कैसे निकालना है, ठीक है। ये उसका सम का फॉर्मूला होता है SNn/2 2a + n-1 × d। ये हमारा एस मतलब सम निकालने के ऊपर एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास जो वैल्यू है ए की, वो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 8, डी की वैल्यू 8 एंड एन की वैल्यू 15, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, ए 8 है, डी भी 8 है और एन हमारा 15 है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके और आंसर निकालना है डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या है, 8 हमें सॉरी एन हमारा 15 है, तो लिखो एस 15, जो हमारा सम होगा वो 15 टर्म्स का होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू 15/2, देन 2 8, ये मल्टीप्लाई में 8 है, प्लस एन की वैल्यू फिर 15 - 1, देन हमारे पास डी, ठीक है। डी की वैल्यू मैंने लिख दी 8। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, 15/2 16, देन प्लस 14 मल्टीप्लाई विद 8, ठीक है। तो हम अब 14 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 15/2 16 प्लस ये हो गया हमारे पास 12 1 10 11, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 112। तो अब हमारा क्या होगा, अब कई बार क्या करते हैं, यहीं पे लोग इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे सीधा इसको कट कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको पहले ये सारा ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। जब आपका ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा, एक वैल्यू आएगी, तब आप कटिंग कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो 15/2 प्लस कर दिया 128। अब इसकी आप सीधा कटिंग कर सकते हो, अब ये हमारे पास 2 के टेबल पे जा रहा है 64, ठीक है, डायरेक्ट कटिंग हो गई। अब हमको क्या करना है, 15/64, इट मीन दैट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 64, तो हमारे पास एस 15 है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एस 15 कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 × 20, 2 ऊपर, देन 96, ठीक है। तो ये हमारे पास 960 बन गया, तो S15 जो है 960 है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन दिया होता है कि हमें उसमें से फाइंड करनी होती है वैल्यूज भी, हमें जैसे A फाइंड करो, D फाइंड करो, D फाइंड करने के बाद सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसमें क्या होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, पहली 7 टर्म का जो सम है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 इज 289, एंड 17 जो टर्म है उसका सम है 289। हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, तो पहले एन टर्म के हमको सम फाइंड करना है। तो हमें वो कुछ नहीं दिया, ना ए दिया ना डी दिया, ठीक है, सर बोल दिया कि ये कुछ मेन हेडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो क्वेश्चन का मैं हिंट जैसे दिया हुआ है, वो एस 17 बोल रहा है 49, ठीक है, और एस 17 289, एस 7 इज 49, एस 17 इज 289, बस ये इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले सीधा आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो n की वैल्यू पता है ये होती है कितनी है, 7, तो 7/2 2a + 7-1 × d, तो ये हो जाएगा 7/2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, s7, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 49, तो मैं यहां पे 49 भी लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, sn ये हमारे पास 2a 6d, ठीक है, 7-1 6d, ये हमारे पास सीधा एक क्वेश्चन बन गया। अब हमारे पास ये जो डिवाइड में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं, ठीक है, उधर उधर भेज देंगे तो वो
आपके पास आंसर आ सकता है। बट एक और चीज है, अगर आप यहीं से इसको कॉमन निकाल लो वहीं पे खत्म भी हो सकता है। तो चलो मैं कॉमन फैक्टर निकालता हूं। वैसे तो आपको पता ही कि इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, फिर सॉल्व करना है, तो मैं यहां पे सिर्फ कटिंग करने की सोचता हूं। तो 49 इक्वल टू 7 बाय 2 मल्टीप्लाई, 2 बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, 2 ये अंदर रह गया, a प्लस 3d। तो 2 देखो, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 6d, सेम हो गया। तो 2 बाहर हो गया तो कैंसिल कर दिया हमने, तो अब क्या बन गया हमारे पास, 49 इक्वल टू 7 ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो सकता है, तो चलो नेक्स्ट उस साइड भेज देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, 49 था, एक मिनट, ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास क्या है, 49 इक्वेशन में दोबारा लिख रहा हूं, 49 इक्वल टू 7 ए प्लस 3d, यही हमारे पास इक्वेशन बनी थी। अब मैंने बोला था ये इधर चला जाता है, तो भेज दिए हैं, 49 बाय 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये 7 7 था 49, कटिंग होगी, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें ये जो दिया हुआ है S17 इज अ 289, अब इसको यूज करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये यूज किया, तो इसकी वैल्यू 17 बाय 2 S17, तो क्या होगा 2a प्लस 17 माइनस 1 d, किसी a और d की वैल्यू हमें मिली नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, ये मैं बॉक्स बना देता हूं, ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने यहां पे। दूसरी इक्वेशन ली, वो स्टार्ट किया है 17 बाय 2, इसकी वैल्यू हमें पता है 289 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये लिख दिया, तो क्या होगा 2a प्लस, दोनों को माइनस किया, 16d। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो कैसे, वही से आपको बोला हुआ है कि कॉमन फैक्टर निकाल दो, है ना, 289 इक्वल टू 17 बाय 2 इंटू 2 बाहर निकाल दिया, तो 8 प्लस ये कितना होगा 8, देखो 2 a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a बन जाएगा, 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16d बन जाएगा, तो यहां पे कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 289 इक्वल टू 17 a प्लस 3d। देखो अगर जिसमें बहुत सारी बड़ी वैल्यू दी होती है ना, तो वो आपको डायरेक्ट कटिंग दिया होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ भी उसमें डायरेक्ट कटिंग नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे 49 दिया हुआ था, तो 7 7 था 49 सीधा दिया हुआ था, क्योंकि एग्जाम जो बनता है वो उसी हिसाब से बनता है, या क्वेश्चन उसी हिसाब से बनता है कि बच्चे अपना टाइम ना करें और सीधा आंसर निकालें। तो यहाँ पे भी हमें सीधा कटिंग मिलेगी, देखना 289 डिवाइड हो जाएगा 17 के साथ, वो बन जाएगा a 8 था, ठीक है, प्लस 8d, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको इसके साथ कटिंग करोगे तो ये सीधा आपके पास चला जाएगा 17 के ही ऊपर, ठीक है, आपको नहीं तो आप डिवाइड करके देख लेना, तो आपके पास 17 के ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, अब 17 इक्वल टू a प्लस 8d, यू ऑल्सो से दैट a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 ये थी a प्लस 3d इक्वल टू 7, और ये है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्टिंग, यहां पे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को माइनस करना है। तो कई बार क्या बच्चे करते हैं, इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, वो सब करते हैं, ऐसा नहीं है, पहले आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। क्या है हमारे पास, a प्लस 3d, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, दूसरा ये है माइनस का साइन डाल के ब्रैकेट में a प्लस 8d, ठीक है, तो दूसरा क्या था हमारे पास 7 माइनस 17, ये कर दिया, अब इसको माइनस करना है, तो इसके सामने कुछ साइन नहीं है तो ये सीधा ही जाएगा a प्लस 3d माइनस इसके साथ लग जाएगा, तो हो जाएगा a, अब ये माइनस अंदर भी जा रहा है तो माइनस 8d इक्वल टू 7 माइनस देन माइनस ऑफ 10, ठीक है, 7 माइनस करना है 17 से तो माइनस 10 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कटिंग करनी है, तो यहां पे सीधा आपका a तो कट हो गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस 3d एंड माइनस 5d कितना होगा, सॉरी माइनस 8d, इट विल बिकम माइनस 5d, ठीक है, अब इधर माइनस 10 है तो यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई,
तो ये d कितना रहा है 10 बाय 5 कैंसिल करके 2। अब हमें d मिल गया, d कितना था 2, ठीक है। अब हमें a नहीं पता, तो a के लिए करना है पुट d इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में आपको पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ये, तो इसके लिए मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता तो लग गया कि हमारे पास d कितना है 2 है, तो a प्लस 3 डी इक्वल टू 7, ए प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 6, नहीं सॉरी प्लस 6 इक्वल टू 7। अब ये प्लस का है, उधर जाकर क्या होगा माइनस का होगा, ए इक्वल टू 7 माइनस 6, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1। अब हमें ए भी मिल गया डी भी मिल गया, अब उसने क्या बोला था हमें सम निकालना है, तो चलो भाई सम निकालते हैं। अब जो वाके हमारा उसने जो लास्ट क्वेश्चन बोला उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, डी निकाला ए निकाला, अब वही डी और ए को यूज करना है हमें, तो डी हमें क्या मिल गया था 2, ए क्या था 1, ठीक है, डी 2 हो गया और ए 1 हो गया। अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करके सम में, तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं, तो एन को एन ही रखेंगे, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 2, वो लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा एन बाय 2 टू प्लस 2 एन माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे खत्म हो गया, तो कितना हो गया n बाय 2 मल्टीप्लाई 2n, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, कितना हो गया n स्क्वायर, तो s nth कितना आ रहा है n स्क्वायर। अब हमें n की वैल्यू पता होती तो n का पुट करके आंसर निकाल देते, सम आ जाता, ठीक है गाइस। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। चलो आपको दोबारा से दिखाता हूं हमने क्या किया है, थोड़ा जूम आउट करता हूं, ठीक है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास, इसमें क्या बोला हुआ था आपको कि आपके पास वैल्यू दी हुई है एस एन की, पुट करना था सब कुछ, ए भी दिया हुआ था डी भी दिया हुआ था एन भी दिया हुआ था, जस्ट वैल्यू पुट करी कटिंग करी आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि आपको कटिंग वगैरह और प्लस माइनस का पता लगे कब कैसे करनी है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन उठाया जिसमें ये बोल दिया था कि हमें S1749 है और सॉरी S749 है और S17289 है, इन दोनों से हमें वैल्यू को निकालना है, निकालना क्या था हमें सम निकालना था। तो हमें ना तो a पता था ना d पता था, तो हमने Sn n by 2 2a plus n minus 1 into d यूज करके वैल्यूज पुट करके इसी को सिर्फ फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने उठाना है, ठीक है। तो n की जगह 7 लिखा, 7 लिखा उसको एज इट इज बाकी रखा, ठीक है। सॉल्व करते गए, सोल्व करने के बाद ये हो गया 6, ये हो गया 49 क्योंकि हमें पता था उसको किया, यानी यहाँ पे 2 कॉमन लिया, कटिंग की 7 आया, फिर 7 को इधर डिवाइड भेज दिया, जैसे ही हमने उसको डिवाइड में भेज दिया तो हमारे पास 7 आ गया इक्वल टू ए प्लस 3d था, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, अब हमें क्या करना था दूसरी वाली जो ये दी हुई है S17 इक्वल टू 289 इसको यूज करना था, तो हमने इसको यूज करके हमारा पास सम निकालना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी थी, यूज किया करते करते सेम उसी पैटर्न से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये बन गई a प्लस ए डी इक्वल टू 17, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें इन दोनों को क्या करना था माइनस करना था, तो इस वाले को साइड पे रखा, ये वाली a प्लस 3d को यहाँ पे रखा, माइनस का साइन डाला, a प्लस 8d रखा यहाँ पे, फिर 7 लिखा, फिर माइनस कर दिया 17, तो कटिंग करी a निकल गया, d हमारे पास कितना आया 2, तो इसी d को मैंने इसी इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूं, a प्लस 3d इक्वल टू 7, d पुट किया तो 6 आया, उधर चला गया तो a हमारे पास 1 आ गया। तो अब हमारे पास a भी मिल गया और d भी मिल गया, तो a भी मिल गया और d भी मिल गया। तो अब हमने क्या किया Sn फॉर्मूला पुट किया सम का, यहाँ पे a की वैल्यू लिख दी और d की वैल्यू लिख दी, हमें n की वैल्यू पता नहीं थी तो n हमने एज इट इज रखा, तो a निकला कटिंग वगैरह की 2 के साथ 2 n आ गया, तो n स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास जो सम है वो जो फाइंड करना था वो हमारे पास n स्क्वायर आ गया, ठीक है। उन्होंने यही बोला था फाइंड द n टर्म सम ऑफ द n टर्म का सम निकालना था, तो हमारे पास क्या होगा s स्क्वायर। सो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। If you need more, then subscribe my channel and thank you.
एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी।